नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। बुद्ध जयंती के शेष 2 दिन बच गए हैं, ऐसे में वहां पर राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। 5 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाएगी, 2 दिन विशेष रह गए हैं। बोध गया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को सजाने की तैयारी में तेजी से BTMC जुट गई है, साथ ही जिला प्रशासन और नगर परिषद के द्वारा भी विशेष पहल बुद्ध जयंती का आयोजन किया जा रहा है। देशी और विदेशी श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे हैं। 5 मई को अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम किया जाएगा। इस मौके पर भोजन, रहने, पानी पीने सहित अन्य सुविधाएं दी जाती है। जिला प्रशासन इन सभी चीजों की तैयारी में जुटा है, सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। महाबोधि मंदिर के अलावा विभिन्न बौद्ध मठ को सजाया जा रहा है। 5 मई को महाबोधि मंदिर में विशेष अनुष्ठान और विश्व शांति प्रार्थना के साथ 2567वीं बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल होंगे। बुद्ध जयंती को लेकर कालचक्र में विशाल पंडाल बनाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पंडाल वाली जगह पर दर्जनों अग्निशामक यंत्र लगाए जा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि मंदिर में विशेष प्रार्थना के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए विशेष अर्चना पूजा की जाएगी। डॉक्टर दीनानाथ ने बताया कि भगवान बुद्ध के पवित्र वचनों से सकारात्मक वातावरण बने, लोग निरोग रहें, दुनिया के सभी जीवों का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ प्रार्थना की जाएगी। बोध गया के अलावा बुद्ध पूर्णिमा के दिन मोक्ष नगरी गया जी के विष्णुपद में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विष्णुपद मंदिर प्रबंधक कारिणी समिति भी तैयारी में जुटी है। तो बुद्ध पूर्णिमा पे विशेष मात्र 2 दिन बच गए हैं, ऐसे में वहां जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल वहां मौजूद होंगे और देश और विदेश से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।